दोस्तों, हम आखिर क्यों बाय करें एक सराउंड साउंड सिस्टम? क्या हमको रियली नीड है एक सराउंड साउंड सिस्टम की? और अगर बाय करना ही है तो किस तरह का सराउंड साउंड सिस्टम बाय करें? एक 5.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर बाय करें, या फिर एक 5.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर जो डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता हो, या फिर एक 5.1 चैनल साउंड बार, या फिर एक डॉल्बी एटमोस साउंड बार? बहुत सारी कन्फ्यूज़न है दोस्तों। इस वीडियो में इसका आपको सारा जवाब मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आपको ये सिस्टम सराउंड साउंड सिस्टम्स खरीदने चाहिए या नहीं। क्योंकि दोस्तों, ब्रांड्स का काम है जैसे तैसे आपको अपना प्रोडक्ट्स बेच देना। वो अपनी थोड़ी सी चीज़ को हाइप करके बताती हैं, और ऐसे में कस्टमर्स को लगता है कि ये देखिए, ये सिस्टम कितना अच्छा है, ये कितनी इसमें हाईलाइट्स हैं, कितने सारे फीचर्स हैं। और कई बार हम उन फीचर्स के पैसे दे देते हैं जो हमारे किसी भी यूज़ की नहीं है। जैसे कि मेरे खुद सैमसंग के टैबलेट में दिया हुआ है डॉल्बी एटमोस का फीचर, लेकिन क्या वो काम का है? उसके अंदर सिर्फ दो स्पीकर्स हैं टैबलेट के अंदर, और वो डॉल्बी एटमोस को सपोर्ट करता है। कितनी फ़नी चीज़ है, लेकिन मैंने इसमें डॉल्बी एटमोस के पैसे दिए हैं टैबलेट को लेते टाइम, जो कि मेरे किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आपके पहले सवाल की तरफ कि आखिर क्यों बाय करें एक सराउंड साउंड सिस्टम, या कब बाय करें एक सराउंड साउंड सिस्टम। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स म्यूज़िक ही सुनते हैं अपने सिस्टम पे। तो जिनको ऐसा सिस्टम चाहिए जो 90% टाइम्स म्यूज़िक सुनते हैं और मूवीज़ केवल महीने में एक या दो बार देखते हैं, तो अच्छा होगा आप एक अच्छा स्टीरियो सिस्टम ले लें, एक 2.1 चैनल सिस्टम ले लें। कुछ 2.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अपना पैसा किसी भी सराउंड साउंड सिस्टम में वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मूवीज़ के बहुत बड़े शौकीन हैं, और आप डेली या फिर हफ्ते में एक दो बार मूवीज़ देखते ही देखते हैं, और अपने दोस्तों के साथ काफ़ी मूवीज़ इंजॉय करना पसंद करते हैं, तब आपको नीड है एक सराउंड साउंड सिस्टम की। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि मूवीज़ टू मूवीज़ भी डिपेंड करता है कि आपको एक सराउंड साउंड सिस्टम की ज़रूरत है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप कॉमेडी, लव या रोमांटिक मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं, तो आपका नॉर्मल सिस्टम से भी काम चल सकता है। लेकिन दूसरी ओर, आप अगर एक्शन, थ्रिलर, हॉरर मूवीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि सराउंड साउंड सिस्टम हो आपके पास। तो अब दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली कि सराउंड साउंड सिस्टम की ज़रूरत कब है, अब किस तरीके का सराउंड साउंड सिस्टम लें, सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न है उस पर आते हैं। दोस्तों, एक्चुअली किसी भी सिस्टम में सराउंड साउंड एक्सपीरियंस करने के लिए मिनिमम 5 चैनल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके चारों ओर एक 2D सर्कल, एक हॉरिजॉन्टल 2D सर्कल क्रिएट करते हैं, जिसमें आपको आवाज़ चारों तरफ से आती महसूस होती है। ठीक है, आप इसको 2D सराउंड साउंड भी बोल सकते हैं। और इस तरह का अगर आप कंटेंट प्ले करते हैं, तो जो 5.1 कंटेंट होता है, जो डॉल्बी डिजिटल कंटेंट होता है, उसमें आपको ये फील होता नज़र आएगा। इस तरह के साउंड इफेक्ट आपको जनरली उस टाइप के कंटेंट में मिलेंगे, अगर आपका सिस्टम 5.1 डॉल्बी डिजिटल जैसे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है तो। तो दोस्तों, इस तरह का सराउंड साउंड का मज़ा लेने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप एक नॉर्मल 5.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर लें। इस सिस्टम में दोस्तों, आपको एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि डॉल्बी डिजिटल सिग्नल आपको डिकोड करके देगा। दूसरा ऑप्शन कि आप एक 5.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर लें जो कि डॉल्बी डिजिटल फॉर्मेट को सपोर्ट करें, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा दोस्तों, 5.1 चैनल साउंड बार। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है, क्या नुकसान है, हम आगे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों। मैंने अभी बात की थी हॉरिजॉन्टल सर्किल की। अगर आप एक वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल, एक 3D एटमोसफियर क्रिएट करना चाहते हैं अपने रूम के अंदर, आप एक डॉल्बी एटमोस मज़ा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको या तो आपके सिस्टम में अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स होने चाहिए, या फिर आपके सीलिंग में 4 स्पीकर लगे होने चाहिए। तो यहाँ आपको दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो डॉल्बी एटमोस को सपोर्ट करते हैं। एक तो दोस्तों वो साउंड बार आते हैं डॉल्बी एटमोस के जो उसमें अपवर्ड फायरिंग स्पीकर होते हैं, साइड में स्पीकर्स होंगे और फ्रंट में भी स्पीकर्स होंगे। दूसरे दोस्तों, वो डॉल्बी एटमोस स्पीकर आते हैं जो जिनमें मल्टीपल स्पीकर नहीं होते, 2 या 3 स्पीकर होते हैं, और वो क्लेम करते हैं कि इनसे वो डॉल्बी एटमोस क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, एक प्रॉपर डॉल्बी एटमोस होम थिएटर, और मैं इसमें बताऊं आपको, एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, एक प्रॉपर अच्छा प्रोजेक्टर, और आपके दाएं बाएं काफ़ी सारे स्पीकर्स, प्लस कम से कम 4 या 2 स्पीकर छत में। तो इसकी दोस्तों टोटल कॉस्ट मेन से ऐसा मिनिमम 1 लाख प्लस जानी चाहिए, और इतनी जो कॉस्ट है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहूँगा। मार्केट में बहुत सारे फेक 5.1 चैनल स्पीकर हैं, वो 2200, 2300, 2700 रुपये में आपको 5.1 चैनल स्पीकर देते हैं, होते वो स्टीरियो ही हैं। तो आप इनके झांसे में ना आएँ, एक अच्छे 5.1 चैनल्स
जो है मार्केट में अवेलेबल, उनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। दोस्तों बारी बारी से कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा सिस्टम आपको लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। मैं सारे प्रोज एंड कौन सा आपको क्लियर करता चलता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपको डॉल्बी डिजिटल 5.1 सराउंड साउंड, यानी कि जो मैंने अभी सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सर्किल की बात की, एक 2D में अगर आपको सराउंड साउंड को एक्सपीरियंस करना है, तो यहाँ आपको दोस्तों कुल मिला के 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला 5.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर, दूसरा 5.1 चैनल साउंड बार, और दोस्तों तीसरा यहाँ पे एक डॉल्बी डिजिटल साउंड बार है। इसमें 5 चैनल्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, इसमें 2 या 3 चैनल मिलेंगे, और यहाँ कंपनियाँ बोलती हैं कि ये 5.1 चैनल का वर्क करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये सिस्टम दोस्तों डॉल्बी डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस तो कर देते हैं आप दोस्तों, ये आप तक पहुँचा नहीं पाते ठीक से, तो यहाँ इन सिस्टम को लेना थोड़ा यूज़लेस होगा। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल यहाँ से हट जाता है, तो आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, 5.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर या 5.1 चैनल साउंड बार। दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं दोस्तों। 5.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर्स में दोस्तों ज़्यादा वायर्स होते हैं, और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि घर में उसके रूम में एक वायर्स का पूरा माया जाल हो, मकड़ी और जाल की तरफ चारों तरफ वायर्स ही वायर्स हों। 5.1 चैनल साउंड बार में भी दोस्तों आपको वायर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन 5.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर के कंपैरेटिव में थोड़े कम। दूसरा सबसे बड़ा कौन है दोस्तों 5.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर का, कि यहाँ अगर आप बजट रेंज में खरीदते हैं तो वो डॉल्बी डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस नहीं कर सकता। इसके लिए आपको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कुछ इस तरीके का चाहिए आपको, जिससे आप डिजिटल डॉल्बी डिजिटल के सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप फिर एक डॉल्बी डिजिटल का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा आप बजट बढ़ाते हैं तो आपको मल्टीमीडिया स्पीकर के अंदर काफ़ी सारे सिस्टम ऐसे मिल जाएंगे जो डॉल्बी डिजिटल को प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ 5.1 चैनल साउंड बार में किसी भी तरीके की आपको कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि 5.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर्स के अंदर आपको एक अच्छा चैनल सेपरेशन मिल जाता है, जो कि आपको साउंड बार के अंदर नहीं मिलता। क्यों ऐसा क्यों दोस्तों, मैं आप ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। साउंड बार के अंदर आपको एक साउंड बार मिलेगा जिसमें सेंटर चैनल, फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट एक ही साउंड बार के अंदर दिए होंगे, और 2 आपको पीछे रखने के लिए सराउंड चैनल मिलेंगे, रियर चैनल मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए कि आपकी टीवी 45, 55 या 65 इंच या 75 इंच तक की हो सकती है, उसके नीचे एक साउंड बार लगा है और आप टीवी से काफ़ी दूर बैठे हैं, तो उसमें वो जो तीनों चैनल्स लगे हुए हैं आपस में ओवरलैप करेंगे और एक अच्छा चैनल सेपरेशन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आपके पास मल्टीमीडिया स्पीकर है तो आपकी टीवी के जितनी साइज़ की आप टीवी है उसमें आप जगह जगह आपको प्लेस कर सकते हैं, उस हिसाब से आप लेफ्ट चैनल, राइट चैनल और सेंटर चैनल के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों चैनल सेपरेशन का एक मल्टीमीडिया स्पीकर के अंदर, जो कि आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा 5.1 चैनल साउंड बार्स के अंदर। अब दोस्तों ये तो रही डॉल्बी डिजिटल की बात, अब दोस्तों बात कर लेते हैं डॉल्बी एटमॉस की। दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस का मज़ा लेने के लिए कीमत बहुत ज़्यादा जाती है, लाख्स में जाती है ठीक है, जिसमें आपके चारों तरफ स्पीकर होंगे, छत पे स्पीकर होंगे, एक अच्छा प्रोजेक्टर, एक अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट, एक रूम के प्रॉपर अकोस्टिक होंगे। लेकिन दूसरी तरफ बात करें हम, जो साउंड बार्स क्लेम करती हैं कि वो डॉल्बी एटमॉस का मज़ा दे रही हैं, दोस्तों इनकी भी मैं आपको कुछ कमियां बता देता हूं। सबसे बड़ी कमियां क्या हैं अगर आप इस तरह के साउंड बार को आप ले लेते हो, इसमें दोस्तों कोई शक नहीं है कि वो डॉल्बी एटमॉस के सिग्नल को प्रॉपरली प्रोसेस कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों ये आती है कि इनमें लगे होते हैं अपवर्ड फायरिंग स्पीकर, और हो सकते हैं कि साइड में एंगुलर स्पीकर्स भी लगे हों। तो दोस्तों ऐसा होगा कि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके रूम की सिमेट्री ठीक है, अगर आपके एंगुलर स्पीकर्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक लेफ्ट साइड पे जो आपकी जो वॉल है वो जितनी दूरी पर हो उतनी वो राइट साइड वाली वॉल भी उतनी दूरी पर हो, प्लस क्या पता एक साइड की वॉल गायब ही हो ठीक है। तो प्रॉपर रूम सिमेट्री, सीलिंग की दूरी कितनी है आपके सिस्टम से, आपके साउंड बार से सीलिंग की दूरी कितनी है, आपकी सीलिंग का मटेरियल, प्रॉपर रूम के अकोस्टिक कितने हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि ये जो एक इफेक्ट क्रिएट होता है सराउंड साउंड का, ये एक वर्चुअल है, एक रियल सराउंड साउंड नहीं है। यानी कि एक हमारे दिमाग को, हमारे कानों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हाँ आपको एक ऊपर से नीचे से चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, लेकिन ऐसा रियल में कुछ भी नहीं हो रहा होता, ये एक वर्चुअल फीलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ये सिस्टम, ऐसे सिस्टम खरीदने चाहिए या नहीं। इन माय ओपिनियन अगर आपको वर्चुअल सराउंड साउंड का मज़ा फिर भी लेना है डॉल्बी एटमॉस के अंदर, तो अपने रूम को, अपने रूम की सिमेट्री को पूरे से अच्छे से समझना होगा। और दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी कमी इन सिस्टम्स की ये है कि लो वॉल्यूम के अंदर आप इस तरह की वर्चुअल इफेक्ट को भी फील नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब एक
मिनिमम वॉल्यूम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप एक वर्चुअल 3D सराउंड साउंड सिस्टम को एक्सपीरियंस कर सकें। और दोस्तों, कुछ साउंड बार्स तो ऐसे हैं कि जो 2 चैनल और 3 चैनल में क्लेम करते हैं कि वो डॉल्बी एटमॉस दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह के जो साउंड बार हैं, आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मार्केटिंग गिमिक्स में ना फंसें, ठीक है? एक प्रॉपर होम थिएटर वाला जो सिस्टम होता है, वो प्रॉपर होम थिएटर आपको दे सकता है, ठीक है? काफ़ी सारी कंपनी जिसके लिए आपको AV रिसीवर और मल्टीपल स्पीकर्स लगते हैं, कितना भी खर्च कर लें डॉल्बी एटमोस सिस्टम्स में, वो एक प्रॉपर मज़ा आपको नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो कंक्लूजन यही था कि डॉल्बी एटमोस और डॉल्बी डिजिटल में से अगर आपको कोई एक सिस्टम चूज़ करना हो, तो आप डॉल्बी डिजिटल की तरफ जाएं। एक 5.1 चैनल, या तो आप एक होम थिएटर ले लें, ठीक है, या फिर आप एक 5.1 चैनल साउंड बार ले लें। दोस्तों, ये सोच के डॉल्बी एटमोस साउंड बार लेते हैं कि आपको एक प्रॉपर 3D एटमोसफेयर मिलेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, वो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों। मैंने कुछ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं एक अच्छे 5.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर और 5.1 चैनल साउंड बार्स के। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपका कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, एक किस तरह का सराउंड साउंड सिस्टम लें, 5.1 चैनल लें या 5.1 चैनल साउंड बार लें या फिर एक डॉल्बी एटमोस साउंड बार। जो जो रियलिटी थी दोस्तों, मैंने आपको बता दी है, अब आगे आपकी मर्ज़ी है। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।